महिला दिवस पर मोदी ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात, 8 मार्च को महिलाएं संभालेंगी प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया अकाउंट। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर किया ट्वीट, लिखा कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, कोरोना से मिलकर लड़ेंगे। पुलवामा हमले में दो और की हुई गिरफ्तारी, एनआईए ने आतंकियों के दो मददगार बाप बेटी को किया गिरफ्तार। पुलवामा हमले में एनआईए का बड़ा खुलासा, हिजबुल आतंकी जहांगीर की थी साजिश, कांग्रेस नेता से जुड़ा था इसका नाम। दिल्ली के उत्तर पश्चिम क्षेत्र हैदरपुरा क्षेत्र से मिला हैंड ग्रेनेड, एनएसजी ने ग्रेनेड अपने कब्जे में लिया। पीएम मोदी ने कहा देश में शांति और एकता बेहद जरूरी, बोले पहले देश फिर होते हैदर। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार सतर्क, 26 दवाओं के निर्यात पर लगाई गई रोक। आगरा में कोरोना वायरस के पाए गए 6 संदिग्ध, नोएडा में भी कोरोना ने दी दस्तक। पाक सेना ने एक बार फिर मेंढर मनकोट सेक्टर के रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना, सुबह 5 बजे तक पाकिस्तान ने छोटे बड़े हथियारों से की गोलाबारी। सराका फारूक खान ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को बताया अहम, कहा जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि पूरे सम्मान के साथ होगी घाटी वापसी। रामबन के पीड़ा क्षेत्र में भूस्खलन होने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध, सड़क मार्ग पर फंसे कई यात्री, सड़क मार्ग पर से मलबा हटाने का कार्य जारी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए श्रीनगर अस्पताल में स्पेशल वार्ड तैयार, कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज के उपचार के लिए किए गए विशेष प्रबंध। बड़गाम पुलिस ने 5 युवाओं को आतंक की राह पर जाने से रोका, युवाओं को समझाने के उपरांत परिजनों को सौंपा गया। प्रशासन द्वारा जोजिला पास से बर्फ हटाने का काम निरंतर जारी, वाहनों की आवाजाही के लिए जल्द खोला जा सकता है हाईवे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फिलहाल जारी रहेगा एक तरफा यातायात, आज जम्मू से श्रीनगर जाने वाले वाहनों को ही आवागमन की अनुमति। हिमाचल प्रदेश में बनी जुकाम खांसी की दवा के सैंपल फेल, उधमपुर के रामनगर में 10 बच्चों की हुई थी मौत, एफआईआर दर्ज। राजौरी में स्वच्छता पखवाड़े का हुआ शुभारंभ, स्कूली छात्रों ने अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रण। मीरासाई ब्लॉक की दरसोपुर पंचायत में गली बनाने के कार्य का हुआ शुभारंभ, चेयरमैन दिलीप कुमार द्वारा विकास कार्यों को करवाया गया शुरू। सांबा के मुख्य चौक में पुलिस द्वारा लगाई गई सेफ्टी बैरियर, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए किया गया प्रयास। बार एसोसिएशन सुंबल ने प्रोसेस सर्वर से मारपीट का किया विरोध, प्रदर्शन कर आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लेने की मांग की। राजौरी में होली को लेकर कार्यक्रमों का हुआ शुभारंभ, क्षेत्र में सबसे पहले निकाली गई भगवान हनुमान की झांकी। विजयपुर में पैंथर्स पार्टी के बैनर तले ट्रैक्टर ट्रॉली मालिकों ने किया प्रदर्शन, रेत बजरी के खनन पर लगी रोक को हटाने की मांग। बांदीपुरा में कृषि विभाग द्वारा किसान मेले का हुआ आयोजन, इस मेले का जिला विकास आयुक्त शाहबाज अहमद मिर्जा ने किया उद्घाटन। ओबीसी श्रेणी के लोगों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की, लोगों ने प्रेस क्लब जम्मू से डोगरा चौक तक निकाली रोष रैली। आतंकी संगठन अंसार गजावत उल हिल ने किया दया दावा, कातराल में हाल ही में मारे गए 3 आतंकी उनसे जुड़े थे।
बीडीओ आरसपुरा ने कल्याण गांव में बन रहे पार्क का लिया जायजा। अनुराधा ठाकुर ने अधिकारियों को जारी निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। पर्यावरण को चुनौती दे रही बसोली नगरपालिका, खुले में गंदगी फेंक कर उड़ा रही स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां। बागवानी विभाग श्रीनगर ने लोगों को सस्ते दामों पर दिए पौधे, 90% सब्सिडी पर लोगों को दिए जा रहे फ्रूट प्लांट। डोगराफर ने प्रधानमंत्री मोदी से सोशल मीडिया न छोड़ने की अपील, कहा ऐसे करके ना करें लोगों को मायूस। श्रीनगर में आईसीएसटी विभाग की वर्कर्स एंड हेल्पर्स का प्रदर्शन, 15 माह से उन्हें वेतन जारी नहीं करने पर रोष किया प्रकट। अपडेट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग मीडिया हाउस इन J&K विद 1.5 करोड़ मंथली व्यूज। JK अपडेट इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टाइज योर ब्रांड्स एंड सर्विसेज। इफ यू वांट टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर, मिस्टर सुशील शर्मा 7051091804।